के गवर्नर श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, और आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु चंदा जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी संस्था के जीवन में 60 साल की यात्रा बहुत बड़ी नहीं होती। 60 साल का कार्यकाल भारत जैसे विशाल देश में किसी इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में ये समय बहुत कम पड़ता है। व्यक्ति के एक जीवन में 60 साल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संस्था के जीवन में एक प्रकार से उसका प्रारंभ होता है। और मैं मानता हूं कि अब ऐसे ऐसे ग्रुप उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसके बदौलत जिन आशा और आकांक्षाओं को लेकर के उसका जन्म हुआ, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने यात्रा की, उसको अचीव करने का उसके सामने समय आया है। और तब उसको 60 साल की जो गति है वो काम नहीं आती है, 60 साल का जो कैनवास है वो भी छोटा पड़ता है, उसे बड़े कैनवास पर लंबी दौड़ के साथ अपनी योजनाएं करनी होती है। लेकिन 60 साल का ये अनुभव भारत की विकास यात्रा में, बैंकिंग सेक्टर के योगदान में एक बहुमूल्य भूमिका निभाने का, उसकी सफलता का आंक आने वाले दिनों में देश की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक ताकतवर बनाने में बहुत बहुत उपयोगी होगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इस ग्रुप के नाम पर ICI, मैं समझता हूं 60 साल हो गए, आई को बहुत देखा, अब ICU होना चाहिए। मैं आपको देख रहा हूं, हिंदुस्तान को देख रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीब को देख रहा हूं, और उस रूप में मैं आशा करता हूं कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं, क्यों न ग्रुप के प्रमुख लोग बैठे, ग्रासरूट लेवल के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठे, और हम जब 75 साल के होंगे तब तक क्या क्या अचीव करेंगे, हमारा सोशल चार्टर क्या होगा, और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में ICICI लीड कर सकता है क्या, कि फॉर 15 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स, 75 सेलिब्रेट करने से पहले हम ये सोशल चार्टर लेकर क्या 10 हो, 12 हो, 15 हो, इन चीजों को हम देश में लाकर के रहेंगे। कभी कभार एक आध इंस्टीट्यूशन लीड करती है तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं और अपने आप में एक मोमेंटम बन जाता है और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो गए, और 25 में आपके 75 साल हो गए। उस अर्थ में
बीच में आपको एक अवसर मिलता है कि भारत के 75 साल के समय का क्या गोल हो और नेक्स्ट 75 जो आपके हो तब क्या हो। एक सोशल चार्टर के साथ देश के सामने फाइनेंशियल सेक्टर किस प्रकार से नई दिशा दे सकता है, इसके सपनों को लेकर आप आएंगे। मैं समझता हूँ बहुत देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, देश को एक नई दिशा मिलेगी। मैं चंदा जी का विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूँ कि जिस काम को मैं बड़े आग्रह से करना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत, उन्होंने उस वीडियो को उठाया, स्वयं ने भी इस काम को किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने सभी ब्रांचेस को सप्ताह में एक दिन सफाई का कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित किया। एक मोमेंटम खड़ा हुआ उनके इस प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं, और पूरे ग्रुप को, सभी ब्रांचेस को, उस ब्रांचेस में बैठे हुए सभी बैंक के कर्मचारियों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। लेकिन बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है, क्या हम इस काम को तो आगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, लेकिन हम हमारे फाइनेंस के जो एरिया है उसमें एक नए क्षेत्र का इजाफा कर सकते हैं क्या, और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं क्या? क्या हमारा ग्रुप एक साल के भीतर भीतर बैंक फाइनेंस की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम 1,00,000 स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं? वेस्ट में से वेल्थ एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौजवान आए, बहुत बड़ा बिजनेस है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में आए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इस प्रकार के नए एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते, हमारी यंग जनरेशन को उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मॉडल देना और फाइनेंशियल व्यवस्था देना। मैं समझता हूं कि जो काम स्वच्छता के अभियान में आपकी बैंक कर रही है, लेकिन वो स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार करती है जो शायद एक सस्टेन व्यवस्था, लंबे समय तक काम आने वाली एक अच्छी व्यवस्था को हम उभार सकते हैं, और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे, आप पोर्ट डेवलपमेंट में देते होंगे, बहुत बड़े बड़े कारोबार आपके चलते होंगे, यहाँ जिस प्रकार का ऑडियंस है उसको लगता है कि बहुत बड़े काम आपके चलते होंगे, उस ऑडियंस को देख करके मैं तय कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूँ, छोटे छोटे लोग जो इस एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में आए उनको प्रेरित करें, एक बहुत बड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस है, हमारे साबरकांठा के एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, मजामा मेला बना, इस गांव की और भी विशेषता है, देश का एक पहला गांव ऐसा है जहां पर कैटल हॉस्टल है। हमारे यहाँ गांवों में पशु अपने घर के बाहर ही बांध करके रखते हैं और सारी गंदगी वही होती है और बीमारी की जड़ भी वही होती है। आजकल लड़कियों को गांव में शादी करने में इतराज नहीं है, लेकिन ये पशु वाला काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसकी तैयारी कम है। तो हमने एक नई समाज रचना करके ली और उसी विचारधारा से प्रयोग यहां शुरू हुआ है। गांव के सारे कैटल हॉस्टल में रहते हैं और मालिक दिन में 2-4 घंटे हॉस्टल में जाते हैं, अपने पशु का देखभाल करते हैं, दूध लेने के समय दूध के समय पहुंच जाते हैं, पूरा गांव साफ सुथरा रहता है। और एक हॉस्टल का प्रयोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भर में ये होने वाला है। अगर हम हमारे प्रिय से प्रिय बच्चों को हॉस्टल में रख सकते हैं, हमारे
हमारे कैप्टन के लिए हॉस्टल क्यों नहीं बना सकते, और उसके काम उनकी देखभाल भी अच्छी होती है। उससे जब मैं वहाँ था तब तो मुझे मालूम है इनकी इनकम में 20% बढ़ोतरी हुई थी कैटेगरी हॉस्टल के काम, क्योंकि वो उसमें से फर्टिलाइजर बनाने लगे, गैस निकालने लगे, बिजली पैदा करने लगे, कई चीज़ें उनकी हुई, दूध में भी बढ़ोतरी हुई। और उसी गांव को बैंक ने डिजिटल विलेज बनाने के लिए और उसको बहुत सारा काम पूरा कर दिया है। अब गांव भी बहुत इंतजार करने वाला नहीं है, उसके एस्पिरेशन भी वही है जो शहर में बैठे हुए समृद्ध वर्ग के। और ये समय की मांग है कि हम उस पर फोकस करें। रूरल डेवलपमेंट भी भारत की जीडीपी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर है, नए तरीके से उसकी संभावनाएं बढ़ी है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बल दे दिया है, एग्रीस्ट्रक्चर में बल दिया जाए, एग्रीस्ट्रक्चर में वैल्यूएशन में बल दिया जाए, बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे रूरल लाइफ में आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन नया हम खड़ा कर सकते हैं। ये संभावनाएं पड़ी है, ये डिजिटल विलेज की कल्पना आने वाले दिनों में, ये डिजिटल इंडिया का सपना हम पूरा करना चाहते हैं, उसमें ये भी चीजें एक मॉडल के रूप में हमारे सामने आएगी और काम आएगी। मैं इस इनिशिएटिव के लिए भी आपको बधाई देता हूं। अकोदरा गांव के लोग तो अब कैशलेस उनका कारोबार चलेगा, लेकिन हम ये सपना कब पूरा करें कि भारत में भी कैशलेस आर्थिक व्यवस्था विकसित हो। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में इसकी कंपटीशन होनी चाहिए। कौन बैंक है जिसका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है और कैशलेस है? काले धन के जो अनेक उपाय, उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय ये है कैशलेस ट्रांजेक्शन, ये बहुत बड़ा उसके कारण हर कार है, और हमने इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को आदत डालनी चाहिए। और बैंक के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं वो ये है, एशिया का ये जो भूभाग है भारत और उसके अड़ोस पड़ोस के देश इंक्लूडिंग चाइना, विश्व में ये एक ऐसा भूभाग है कि जहां परंपरागत रूप से सेविंग का स्वभाव है, सदियों से परंपरा है, हर पीढ़ी के माँ बाप आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ कुछ बचा के जाना ये सोच रखते हैं। दुनिया के और हिस्से ऐसे हैं कि जहां पर क्रेडिट कार्ड की दुनिया है, बच्चों के नसीब में क्रेडिट कार्ड आता है, बहुत कुछ नहीं आता है, यहां वो सोच नहीं है, यहां पर सेविंग की सोच। लेकिन काल क्रम स्थिति ये बन गई कि उसका स्वभाव तो रहा है कि भाई बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना, सिक्योरिटी के लिए कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए, लेकिन वो उसके लिए गोल्ड की तरफ चला जाता है। उसको लगता है सोना खरीद के रख लो भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। शायद 100 में से एक इंसान भी नहीं निकलता होगा कि जिसको अचानक सोना बेच करके कहीं जाना पड़ा, 100 में से एक भी नहीं निकलता। लेकिन साइकोलॉजी है कि भाई सोना होगा तो आधी रात खाना। बैंकिंग सेक्टर के सामने चैलेंज, वो क्रेडिबिलिटी हर इंसान के दिमाग में पैदा कर सकते हैं कि जिसको कभी उसको इच्छा न हो कि अब सोने खरीदने की जरूरत नहीं, गांव में बैंक की ब्रांच है या एटीएम है, मुझे कभी पैसों के लिए संकट नहीं होगा, सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, अब मुझे सोना खरीद करके कोने में रखे रखने की जरूरत नहीं। भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता, बहुत बड़ा वर्ग है जो आवश्यकता से अधिक गोल्ड रखता है, उसका मूल कारण उसके दिमाग में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर होता है। अगर बैंक के द्वारा उसको एश्योरेंस मिलता है, उसके विश्वास पैदा होता है, हाँ भाई अब इसके साथ मेरा नाता जुड़ गया, यानी मेरे जीवन के संकट के काल में भी ये मेरा साथी, मैं समझता हूं ये एक गोल्ड हक का अल्टरनेट बनने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी में देख रहा हूं। क्या हम 75 साल जब मनाए तब
इन चीजों को अचीव करने की दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? आप देखिए, एक बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। सिर्फ बैंकिंग सेवाएं नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है। हम उस दिशा में नए तरीके से हमारे बैंकिंग सेक्टर को सोचें, मुझे विश्वास है कि हम बहुत कुछ देश को दे सकते हैं। मैं फिर एक बार आज इस अवसर पर, इस 7 साल की यात्रा में जिन जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि कोई एक कालखंड में सब होता नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये परिणाम मिलता है। और इसलिए इस ग्रुप के सभी वरिष्ठ जनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।